सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आपको भी क्रिकेट जगत की हमारी सभी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के दूसरे T20 मुकाबले को भारतीय टीम 8 विकेट के बड़े अंतर से हार गई है। आपको बता दें कि इस हार के बाद भारत और वेस्टइंडीज अब दोनों ही टीमें सीरीज में एक एक की बढ़त से आगे चल रही है। हालांकि वेस्टइंडीज की टीम की जीत का यह फायदा जरूर हुआ है कि यह सीरीज अब बेहद ही रोमांचक हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरे T20 मुकाबले को जीता है, लगता है कि वेस्टइंडीज की टीम शायद इस सीरीज में भी बाजी मार जाएगी। आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो वेस्टइंडीज की टीम किस तरीके से दूसरे T20 मुकाबले को जीती। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 170 रन ही बना पाई थी। 171 रनों का लक्ष्य अपने आप में ही बेहद ही बड़ा लक्ष्य होता है T20 फॉर्मेट में, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम के बल्लेबाजों के आगे आज यह लक्ष्य बेहद ही छोटा लगने लगा। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से महत्वपूर्ण पारियां खेली बल्लेबाज सिमोन्स ने। 45 गेंदों का सामना करके उन्होंने 67 रन लगाए, तो वहीं निकोलस पूरन ने तो 18 गेंदों में ही 38 रन जड़ दिए थे, जिसके चलते वेस्टइंडीज की टीम को इस लक्ष्य तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि 9 गेंदे शेष रहते वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले को 8 विकेट के अंतर से जीत चुकी थी, लेकिन इस मुकाबले को जिताने में वेस्टइंडीज की टीम के बल्लेबाजों ने ही मदद नहीं करी। आपको बता दें कि भारतीय टीम की फील्डिंग भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रही है। फिर यूं कह लीजिए कि भारतीय टीम द्वारा जब 5वें ओवर में ऋषभ पंत व वॉशिंगटन सुंदर द्वारा 2 अहम कैच छोड़े गए, तो वहीं भारतीय टीम लगभग इस मुकाबले को हार चुकी थी। क्योंकि दोस्तों, इस ओवर के दौरान जहां वॉशिंगटन सुंदर ने सिमोन्स का कैच छोड़ा, तो वहीं ऋषभ पंत ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर इविन लुइस का कैच छोड़ दिया था, जिसका नतीजा यह रहा कि इविन लुइस ने आगे चलकर 40 रन लगाए, तो वहीं फिर बल्लेबाज सिमोन्स को भी क्रीज पर सेट होने का मौका मिला और उन्होंने भी 67 रन लगाकर टीम को विजयी बना दिया। साथ ही दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद कप्तान विराट कोहली ने भी टीम की हार के बड़े कारण का जिक्र किया। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातचीत करते हुए विराट कोहली ने कहा, वेस्टइंडीज की टीम ने जिस तरीके से भारतीय टीम के खिलाफ आज कम्पेटिटिव क्रिकेट खेला, वह वाकई में काबिल तारीफ है। बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई और एक बड़े लक्ष्य को भी छोटा बनाकर रख दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद ही रोमांचक रहेगा, क्योंकि इस मुकाबले को जो कोई भी टीम जीतेगी, जाहिर सी बात है, वह सीरीज अपने नाम कर लेगी। दोस्तों, इसके बाद विराट कोहली ने भारतीय टीम की हार के बारे में जब बातचीत करी, तो उन्होंने दर्शाया कि किस तरीके से चौथे ओवर में वॉशिंगटन सुंदर व ऋषभ पंत से जब 2 कैच छूटे, तो वही 2 चीजें हैं जो कि भारतीय टीम की हार का बड़ा कारण बनी है। साथ ही विराट कोहली ने भारतीय टीम की फील्डिंग पर भी चर्चा करी। विराट कोहली का यह कहना था कि अगले मुकाबले के लिए हमें अपनी फील्डिंग पर और बेहतर काम करना होगा, क्योंकि यदि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सीरीज के तीसरे मुकाबले को भी हार सकते हैं। दोस्तों, विराट कोहली ने अपने बयान से इस बात को तो साफ कर दिया है कि भारतीय टीम तीसरे T20 मुकाबले को जीतने के लिए जी जान लगा देगी, लेकिन अगर फील्डिंग ऐसी ही चलती रही तो शायद भारतीय टीम तीसरे T20 मैच को भी ना जीत सके। परंतु आप सभी को क्या लगता है, क्या दूसरे T20 मैच को सच में भारतीय टीम ज्यादा कैच छोड़ने की वजह से हारी है नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।